शाहू जी का साथ देके बालाजी आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। बहुत बड़ी समस्या बालाजी। रजनी काकी, नारू काका, रजनी काकी, नारू काका। आई, दिन चढ़ाया और अभी तक कोई काम पर नहीं आया। मैं भी वही सोच रही थी बियो, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? पता है इतने दिनों के बाद घर लौटने के बाद भी ऐसा लगता है कि अपना घर सराय जैसा हो गया। सब खत्म होने को आया, तेल, अनाज, नमक, सब्जी, और सब्जी वाला तो गुजरा भी नहीं अभी तक यहाँ से। आई, अब मेरा छोटा पेट कैसे भरेगा थप्पड़ से? ए, मेरे दूध के दांत देखिए ना, फिर से काट लूंगी। यो, बस। आई, तो चिंतित मत हो, हम बाजार जाकर सामान ले आते हैं और लौटते समय रजनी काकी और नारू काका के घर होते हुए आएंगे। बरा, तू इधर बैठ, कंकड़ निकाल, देख, लव करिए रे। हो। ठीक से कर। बालाजी, आपकी वीरता और नीति कुशलता की बहुत सारी कहानियां सुन चुके हैं हम, किंतु आपसे मिलने का सौभाग्य पहली बार प्राप्त हो रहा है। बोला, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? राष्ट्र के नव निर्माण के लिए हम आपसे धन मांगने आए हैं महाराज जी। उत्तम, हम तो पीढ़ियों से राजाओं को धन देते आए हैं, तुम्हें सांगा आपको कितने धन की आवश्यकता है? 50,000 शिवराय। 50,000? इतका धन? हो बड़ा जी, ये इतनी पूंजी किस लिए चाहिए आपको? शस्त्रों के लिए, सिंहासन के लिए जो युद्ध होने वाला है उसमें अपने पक्ष, अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए। आप युद्ध में हमसे सहायता मांगने आए हैं? अक्षत ठेवा, हमारा धन विकास के लिए है, विनाश के लिए नहीं। क्षमा कीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। महाराज जी, आपने कहा था राष्ट्र के निर्माण के लिए आपको धन की आवश्यकता है। हमने आपसे कहा था कि राष्ट्र के नव निर्माण के लिए हम आपसे धन मांगने आए हैं, आणि नव निर्माण पुराने को तोड़कर ही आरंभ होता है। विनाश ही सृजन की पहली सीढ़ी है। ये सोच एक सिपाही की हो सकती है, एक व्यापारी की नहीं। क्षमा करें, बाजी, बाजी, ये क्या कर रहे हो? बाजी छोड़ो उन्हें। क्षमा चाहूंगा काका, बस यही समझाना था कि जब अपनों पर संकट आते हैं
तो सैनिक और व्यापारी में कोई अंतर नहीं रह जाता। और इस समय हमारी मातृभूमि पर संकट है। इस समय हर हाथ को हथियार उठाना पड़ेगा। आपका पुत्र आपके नियंत्रण से बाहर है बालाजी। हमने गुड़ी पाड़वा में भी देखा था, ये केवल उपद्रवी नहीं झूठा और बेईमान भी है। बाजी, इकड़े है। हम अपने पुत्र की ओर से आप सबसे क्षमा चाहते हैं। बस बहुत हुआ बालाजी। यह आपका पुत्र सही बात भी गलत तरीके से समझाता है। यदि आपको तारा रानी साहब ने नहीं भेजा होता तो इसकी ना समझी की बहुत बड़ी सजा पाते आप। कदाचित आपसे भूल हुई है माँ जी, हम यहां तारा रानी साहब के लिए नहीं, शाहू जी के लिए आए। अब हम राजे को नहीं, शाहू जी को अपना राजा मानते हैं। काका थोड़ा तेल देना। इस गांव में देशद्रोहियों को तेल तो क्या, पानी की एक बूंद तक नहीं मिलेगी। देशद्रोही किसको बोला? तेरे बाप को। मेरे बाप में देशद्रोही नहीं है, देशद्रोही तो तू है। तूने नासिर का साथ दिया है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तेरे पिता देशद्रोही है। हर अपराध की क्षमा हो सकती है, देशद्रोह की नहीं। और देशद्रोह कोई भूल नहीं है, वो एक पाप है। और देशद्रोही के कमाई पर पलने वाला परिवार पाप में भागीदार है। पकड़ो इस देशद्रोही के पुत्र को। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। कैसी बात कर रहे हैं बालाजी? तारा रानी साहब की वीरता, उनकी देशभक्ति को भूल गए आप? कैसे भूल सकते हैं आप कि औरंगजेब का आतंक और मराठी साम्राज्य के बीच में यदि कोई खड़ा था तो वो केवल तारा रानी साहब थी। तब कहां थे आपके शाहू जी? सूर्य पर कभी क्रोधित नहीं हुआ जाता कि वो रात भर कहां था। रात लंबी थी, बड़ा आकाश में एक नया सूर्य उग रहा है। शाहू जी के रूप में विरोध नहीं, उनका स्वागत कीजिए माँ जी। शाहू जी तब औरंगजेब की कैद में थे, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। पर अब वो स्वतंत्र है, यानी उनकी रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज यानी संभाजी का रक्त दौड़ रहा है, जिनका साथ आपके पूर्वजों ने भी दिया था। स्वर्गीय महाराज राजा राम जी की अंतिम इच्छा यही थी कि उनके पश्चात सिंहासन पर शाहू जी बैठे। नहीं, नहीं। अपने मृत्युशैया पर राजा राम साहब ने राजे को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये सत्य नहीं है। महाराज राजा राम साहब की अंतिम इच्छा यही थी कि उनके पश्चात शाहू जी ही सिंहासन पर बैठेंगे, पर तारा रानी साहब ने राजे के नाम की घोषणा कर दी। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? रानी साहब झूठ क्यों बोलेंगी? देश की भलाई के लिए। हो, शाहू जी कैद में थे, रानी सिंहासन को एक राजा की आवश्यकता थी। रानी साहब ने जो कुछ किया महाज जी, मराठी साम्राज्य की रक्षा के लिए किया। बालाजी विश्वनाथ भट्ट, हम आपकी इन बातों पर विश्वास क्यों करें? आप तो हमारे लिए अजनबी हैं।
किंतु रानी साहब के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध है। सेनापति धनाजी जाधव से ज्यादा तो नहीं। धनाजी भी शाहू जी का साथ दे रहे हैं तो कोई बात तो अवश्य होगी। मुझे क्या कहना क्या चाहते हैं हम? जल की एक बूंद पत्थर पर गिरे तो पानी, मिट्टी पर गिरे तो अमृत। शाहू जी भी इस जल की बूंद की तरह है जो हमारी मिट्टी पर गिरेगी तो अमृत बन जाएगी। यदि मराठी साम्राज्य के इस पौधे को वटवृक्ष बनाना है महाराज जी, तो जल की इस बूंद को मिट्टी तक पहुंचने दीजिए। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल आपस में लड़कर अपनी शक्ति समाप्त कर रहे हैं। आजम ने कमबख्श की हत्या कर दी है, अब वो मुआजम से युद्ध करेगा। और हमें इस समय एक ऐसे शक्तिशाली राजा की आवश्यकता है जो मुगलों को हमारी इस मातृभूमि से दूर कर दे। बरोबर बरोबर बालाजी, और ऐसा राजा है हमारे राजे। गुड़ी पड़वा के समारोह में हमने उनके तलवार का जौहर देखा है। बालाजी, शास्त्रों में राजा के चार गुण लिखे हैं, उसकी तलवार में धार हो, मन से वो उदार हो, भुजाओं में शक्ति हो और सेना की स्वामी भक्ति हो। और यदि ये चारों गुण हमारे राजे में हैं, तो हम शाहू जी का साथ क्यों दें? बालाजी, आप भले ही तारा रानी साहब की महानता को भूलकर उनके साथ विश्वासघात करें, लेकिन हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। बालाजी, यही बेहतर होगा कि आप शीघ्रातिशीघ्र यहां से चले जाएं, इससे पहले कि हम आपको बंदी बना लें। चले जाइए यहां से, किसी को इस बात का पता न चले कि हमारे घर हमसे मिलने एक देशद्रोही आया था। गुरुजी ने तो पहले ही कहा था, इसका परिवार एक दिन इस गांव के नाम पर कलंक लगाएगा, और आज वो दिन है। इसके परिवार ने हमारे गांव के नाम को मिट्टी में मिला दिया है। इससे पहले हमारा गांव देशभक्तों का गांव कहलाता था, पर आज ये मराठी साम्राज्य के सबसे बड़े देशद्रोही का गांव है, और इस बात का दंड तो इसको मिलना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बालाजी ने पूरे गांव का नाम कलंकित किया है, आज वही कालिख इसके मुंह पे मली जाएगी। ये तो अपमान का प्रारंभ है पंत जी, आप देखते जाइए इस देशद्रोही परिवार का मैं क्या हाल करता हूं। आप जो देश के लिए कर रहे हैं
इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। राजकीय गुरुकुल के मुख्य आचार्य के लिए आपका नाम हम भेज रहे हैं। आप जैसा शिक्षक ही इस देश को सही राह दिखा सकता है। मेरे बाबा ने कोई देशद्रोह नहीं किया है। सिंहासन पर एक योग्य शासक को बिठाने का प्रयास करना देशद्रोह कैसे हो सकता है? यदि राजे इतने वीर और उदार हैं, तो वो शाहू जी को सातारा में आने से रोकना क्यों चाहते थे? शाहू जी कोई सैनिक अभियान नहीं कर रहे थे कि उन्हें बंदी बनाने के लिए मेरे बाबा और धाना जी को भेजा गया। राजे ने मेरी आई और मेरे छोटे भाई बहनों को बंदी बनाकर मेरे बाबा पर दबाव बनाने का प्रयास किया। जो वाकई में वीर होते हैं वो निर्बल को ढाल बनाकर वार नहीं करते काका। और सरदारों की स्वामी भक्ति राजे ने कमाई नहीं, खरीदी थी। बस बालाजी, आपका यह पुत्र तारा रानी साहेब पर एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहा है जो असत्य है। तारा रानी साहेब ऐसा क्यों करेंगे? उनके इरादे लोहे के और मन सोने का है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। हो बराबर है, रानी साहब ने ऐसा किया भी नहीं है, ये सब तो स्वयं राजे कर रहे हैं। सत्ता का चरित्र अग्नि जैसा होता है, अग्नि नियंत्रण में हो तो दीपक की लौ, और नियंत्रण से बाहर जाए तो जंगल की आग। महाराज जी, अभी आग रानी साहब के नियंत्रण से भी बाहर जा चुकी है। इससे पहले कि हमारे और आपके बच्चों का भविष्य इस आग में जल जाए, हमें कुछ करना होगा। हमें क्या करना है ये आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। और तुम बाजी, तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमारे पति से ऐसे बात करने का? तुम्हारे जैसे हिंसक और लड़ाकू बच्चे के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अभी अपने बाबा को लो और इस घर से बाहर निकलो। अत्तास्निगा, चल बाजी। ये झूठ है, मैं हिंसक नहीं हूँ, आप झूठी हैं। हमारी आई को झूठी कहने वाले? झूठी हमारी आई नहीं, तुम हो। तुमने गुड़ी पाड़वा के दिन भी सबसे झूठ कहा था। काशी, तुमने हमें वचन दिया था तुम किसी के भी सामने ये सत्य नहीं बोलोगी। बाबा, हमने आज तक आपको और आई को ये सत्य नहीं बताया कि गुड़ी पाड़वा के दिन महाराज नहीं उनका श्री स्तरण पहनकर ये लड़ा था। किसी से भी बताना मत कि महाराज के जगह द्वंद में मैं था, अपने आई बाबू से भी नहीं। बाजी, हमारे पुत्र का कहने का तरीका टेढ़ा सही, पर बात एकदम सीधी है। अपने स्थान पर किसी और को लड़ाने वाला राजा ना तो योग्य हो सकता है और ना ही वीर। मैं जानता था काका, आप ना मेरा विश्वास करेंगे ना मेरे बाबा का, और अपनी पुत्री पर तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा।
जो राजा स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो स्वराज की रक्षा क्या करेगा?